आज की वीडियो में हम एक ऐसा वर्कआउट करेंगे जिसको अगर आप 4 से 5 हफ्ते के लिए करते हैं तो आपका शोल्डर्स का वर्कआउट तो अच्छे से हो ही जाएगा, वो तो डेवलप होंगे ही, लेकिन उसी के साथ साथ आप हैंड स्टैंड पुशअप्स करना भी सीख जाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वार्म अप के साथ। तो वार्म अप में सबसे पहले हम कर लेंगे जंपिंग जैक्स, जिससे हमारी फुल बॉडी अच्छे से ओपन अप हो जाएगी। और उसके बाद वार्म अप का दूसरा सेट आ जाएगा हमारा लो प्लैंक टू हाई प्लैंक। तो ये हमारे कोर को एक्टिवेट करने में काफ़ी हेल्प करेगा, ताकि जब हम शोल्डर्स का वर्कआउट कर रहे हों तो उस टाइम पे हमारा कोर जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से एक्टिव रहे। उसके बाद हमारा जो थर्ड सेट आएगा वो आ जाएगा रिवर्स प्लैंक लीन ऑन्स। तो कुछ इस तरह से आप इस मूवमेंट को कर सकते हैं, जिससे आपके शोल्डर अच्छी तरह से एक्टिवेट हो जाएंगे, ताकि आपको वर्कआउट करते हुए कोई इंजरी ना हो। तो आज के वर्कआउट का सबसे पहला सेट हमारा आ जाएगा किकअप्स, और ये हैंडस्टैंड किकअप्स सिर्फ बिगनर्स के लिए हैं। अगर आपका लेवल थोड़ा सा एडवांस्ड है तो आप इसका सेकंड वेरिएशन जो है हैंडस्टैंड तो करेंगे आप साथ में, उसके साथ एक पुशअप भी लगा लेंगे, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो इसके हम 3 सेट्स लगाएंगे इन द रेप रेंज ऑफ 10 to 12। उसके बाद हमारा आज के वर्कआउट का सेकेंड सेट आ जाएगा, जो आ जाएगा हैंडस्टैंड फेसिंग दी वॉल, और आपने सिर्फ होल्ड करके रखना है। ये बहुत ही चैलेंजिंग सेट है, और इसमें आप मैक्सिमम होल्ड जितने भी सेकंड की कर सकते हैं उतने सेकंड्स की करने की कोशिश करनी है। इसके भी हम 3 सेट्स लगाएंगे, और ये सेट लगाते हुए आपको फील होगा आपके शोल्डर्स में बर्न आएगा, और यही से आपको हैंड स्टैंड करने में हेल्प मिलेगी। उसके बाद हमारा थर्ड सेट आ जाएगा शोल्डर टैप्स। ये काफ़ी बेसिक सा सेट है, अगर आपको ये आसान लगे तो आप थोड़े से अपने लेग्स को एलिवेट करके भी इस सेट को लगा सकते हैं। तो इसके भी हम लगभग 25 से 30 शोल्डर टैप्स एक बारी में कर लेंगे, और इसके भी हम 3 सेट्स लगाएंगे। उसके बाद हमारा फोर्थ सेट जो मुझे चैलेंजिंग लगता है वो आ जाएगा सूडो टू नॉर्मल पुशअप्स। तो इसमें आप जैसे देख ही सकते हैं कि मेरे हैंड जो हैं वो काफ़ी पीछे प्लेस्ड हैं। तो सबसे पहले हम पुशअप लगा रहे हैं, उसके बाद हम वापस आ रहे हैं जो पाइक पुशअप की पोजीशन होती है उसमें वापस आकर, तो इसके भी हम 3 सेट लगाएंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेट आ जाएगा पाइक पुशअप होल्ड। तो कुछ इसी तरह से आपने होल्ड करके रखना है, जितनी देर के लिए भी आप कर सकते हैं उतनी देर के लिए होल्ड करें। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेट आ जाएगा वॉल वॉक्स। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग सेट है, इसमें आपका कोर आपके शोल्डर्स बहुत अच्छी तरह से एंगेज होंगे। तो आप लगभग एम करेंगे आप 3 से 4 रैप्स, 3 सेट्स लगाएं, और हर एक सेट में 3 से 4 रैप्स लगाने की कोशिश करें। उसके बाद हमारा आज के वर्कआउट का लास्ट सेट जो आएगा वो आ जाएगा पाइक पुशअप्स। तो यहाँ पे जैसे मैंने एलिवेटेड सरफेस यूज़ किया है, तो इसके भी आप 3 सेट इन द रेंज ऑफ 10 to 12 लगाएंगे, तो आज का जो हमारा शोल्डर्स का वर्कआउट है ये पूरा हो जाएगा। और इसको अगर आप थोड़े वीक्स के लिए फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली हैंड स्टैंड पुशअप भी कर सकेंगे।